अमरजन केसिंग अंतर्गत आने वाले सुवानी कला में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का सोमवार को फाइनल मैच के बाद संपन्न किया गया, जिसका फाइनल सुवानी और हटा एगार के बीच खेला गया, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग के बीच में अपने वक्तव्य दें। आज के हमारे मुख्य अतिथि के दर्शकों मैच का हार का सामना करना पड़ा। सुहागिनी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 156 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी हटा एकादश की टीम 95 रन बना पर ही ढेर हो गई और 61 रन से हार का सामना करना पड़ा। मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय नागाचार्य ने विजेता और उपविजेता टीम को अभिनंदन का ट्रॉफी वितरित की। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि इस मैदान को सुरक्षित करने के लिए आप यहाँ का खतरा नष्टा पूरे कावेरी पंचायत के रस्ते इसको स्टेडियम बनाने का हम प्रयास करें, ये स्वीकृत हो जाए कि हम प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी ये हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से ये क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, जुआ जैसा भी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई बहुत वो नहीं रहता है। आप कल हमारे अरुण चौरसिया जी बता रहे थे कि कल हटा टीम भी लेट आई लेकिन संघर्ष में मोहन राव उपविजेता रही। अब दो टीमें रही तो एक तो विजेता एक उपविजेता होगी, दोनों टीमें जीत नहीं सकती, दोनों टीमें हार नहीं सकती है, लेकिन जो हारी उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसको अपनी समीक्षा करना चाहिए कि हमने कहां कम खेला, रन क्यों कम बनाए, पहले के ओवरों में कुछ हम संचित कर सकते थे क्या, एक रन दो रन क्यों नहीं लिए। विजेता टीम को आयोग द्वारा 15,000 रुपए के साथ ट्रॉफी एवं उप विजेता को 7,500 की राशि प्रदान की गई, जिसमें भाजपा के समस्त पदाधिकारी गण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पन्ना से ग्राउंड रिपोर्टर सौरभ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।